We're back with the live action coming away from the Sharjah Cricket Stadium. Telugu Warriors up against Bhojpuri Dabangs. Remember, Bhojpuri Dabangs will have to now try and get at least 94 and hopefully more for their fans. We're waiting for the action to begin. Manoji ne strike le liya hai. ये ना ऑलराउंडर हैं क्रिकेट के मैदान पे भी और क्रिकेट के मैदान के बाहर भी. मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, याद रखिए, जबरदस्त सिंगर और एक्टर रहे हैं और क्रिकेट अच्छा खेलते हैं ये. पहला ही बॉल फुल ड्राइव कर दिया है मिड विकेट की तरफ पे. दो रन बनते हैं एंड दो रन लिया. हल्की सी आउट स्विंग देखा रघु की तरफ से. फुल बॉल फिर से मार के मौका हो सकता था बट पार कर गई बॉल दो रन के लिए. फील्डिंग एफर्ट देखिए यहां पे बेहतरीन ग्राउंड फील्डिंग. रन्स मिलेंगे यहां पे कम से कम दो की दरकार होगी और आसानी से मिल भी जाएंगे. पर ये दोनों टीम्स याद रखिए पिछले सीजन में फाइनल्स खेली थी. देखिए यहाँ पे रन्स मिल जाएंगे पहली गेंद पर नए ओवर की प्रिंस की. कम से कम दो बॉलर्स डिड नॉट एंड उठा दिया है उन्होंने. मौका हो सकता था बट जस्ट फेल शॉर्ट सिंगल के लिए. बिल्कुल फिर से एक स्लोअर वर्ड डॉल क्या और मार दिया है छक्का. राम ने स्लॉट में डाली थी प्रिंस ने पूरा फायदा उठाया इसका. रघु हल्का सा और एक फ्लिक कर दिया है डेलिकेटली. देखते हैं करीबी मामला हो सकता है. फील्डर ने बाउंड्री सिग्नल कर दिया. ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की दाद देनी पड़ेगी. फील्डर ने ही खुद जहां पे सिग्नल किया है अंपायर को कि भाई चार हो गए हैं पर फिर भी देख लेते हैं. फील्डर ने खुद संकेत कर दिया है पर ये देख लीजिए एफर्ट जो था वहां पे आधी टच करके ये बाउंड्री क्वेश्चन को बॉल. विकेट हो सकती थी. चलो चलो हाथ आया पर मुंह ना लगा और फिर से उठा दिया है शॉट. What a flick of the wrist by Ram. आया था यहाँ पे क्या विकेट है. कीपर तो अपील कर रहे हैं लेकिन गेंदबाज ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं उस अपील में. लास्ट बॉल ओह स्टंप टू स्टंप. राम ने अपना काम कर दिया. लेंथ वाली बॉल इनसाइड एज और यहां देखिए फुटवर्क देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो की याद आ गई. क्रिकेट एक्शन का भी और साथ ही साथ पुरानी दोस्तियों को वापस जागरूक करने का. चार ओवर के बाद 30 पर एक और फुल टॉस बनाया इसको सिंगल ही मिलेगा मारना मुश्किल है. एक और उठा दिया है ओ भाग के अंदर आए तेजी से मिसमैनेज मिसजज कर दिया. और अभी मैं बता रहा था कि मिड विकेट एक क्रूशियल पोजीशन है. कई बार बॉल की ट्रेजेक्ट्री भापना मुश्किल है लेकिन यहां पे कोई चांस नहीं है इसको पकड़ने का. करारा सिक्स और इस ओवर से अब 12 रन आ चुके हैं इस सिक्स के बाद. मोर रन दिया दैट विल बी फोर मोर. This is a powerful batting from a clean striking of the cricket ball by Aditya Ojha. एक और सिंगल मिलेगा यानी कि स्ट्राइक अपने पास रखेंगे अगले ओवर में. 47 पर एक ओ बहुत अच्छी कोशिश ड्राइविंग अटेम्प्ट लगभग इसे समाये हुए अपने अंदर और आज यहां बदले की भावना के साथ जबरदस्त शॉट गैप में खेला हुआ ये शॉट कोई चांस नहीं वहां चेस करने का. चार रन यहां कप्तान के नाम कमाल करते जा रहे हैं यहां पर.
बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेंथ ही गेंद थी, लेकिन उसके बावजूद कनेक्शन अच्छा, दो रन जरूर मिलेंगे, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, ऑलराउंड अच्छा क्रिकेट, बहुत ही अच्छी फील्डिंग साइड भी है तेलुगु वॉरियर्स, लेकिन उसके बावजूद यहां पर दो दो रन चुराने में सफल होते जा रहे हैं भोजपुरी दबंग। फिर से एक बार उठाकर खेला है, गैप में खेला है एक बार फिर से, लेकिन कट कर जाएंगे इस बार, लेकिन दो रन फिर से भागते हुए भोजपुरी दबंग इस दो रन के साथ 58 पर 1। अब धेल लपेटा बांध के फेटा, धेल लपेटा बांध के फेटा, बंजा सीसी हल्की शान, इसी के साथ एक और सिक्सर। थैंक यू वेरी मच। साने की उनकी कोशिश रहती है, इस बार फुट फुल टॉस स्ट्रेट खेल दिया है, लेकिन कनेक्शन उतना खास नहीं। दूसरे रन के लिए तेजी से भागते हुए और दो रन मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट आएगा। ओह क्या शॉट है, सीधा तीर की तरफ, और कहा जाता है कि क्रिकेट में सबसे सुरक्षित जगह जो है वो बॉलर के सिर के पीछे होती है। चाहते हैं कि रहे स्ट्राइक, आखिरी बॉल इस ओवर की, पुल किया है, बहुत ही बेहतरीन कनेक्शन और शानदार एक और छक्का यहां पर आदित्य के बल्ले से आता हुआ, खूबसूरत बल्लेबाजी, और इसी के साथ 83 पर पहुंच चुके हैं भोजपुरी दबंग 8 ओवर की समाप्ति पर। होली गेंद, एक बार फिर से स्ट्रेट खेल दिया इसे, लेकिन इस बार फील्डर उसे कट कर जाएंगे, दूसरे रन के लिए वापस जाना चाहते थे, लेकिन एक ही रन के साथ यहां पर रुके, और अच्छा निर्णय यहां असगर की ओर से, दूसरा रन वहां पर नहीं था, अभी एक उनकी कोशिश हो सकती है, अच्छा माहौल मिलता हुआ उन्हें। सेलिब्रिटी बनने का भी ऑप्शन दे रहे हैं आप, उसके लिए पहले या क्रिकेट खेलनी पड़ेगी या एक्टर बनना पड़ेगा, फिर बनेंगे सेलिब्रिटी। ओवरथ्रो तेलुगु वॉरियर्स अपनी फिटनेस अपनी फील्डिंग के साथ, फिर से एक बार स्ट्रेट खेला, इस बार कट करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, 4 रन मिलते हुए अब आदित्य यहां भोजपुरी दबंग की दबंगई बढ़ाते जा रहे हैं इनिंग में। बहुत बढ़िया बल्ला चल रहा है, फिर से एक बार शानदार कनेक्शन, लेकिन सीधे हाथ में गेंद, एक शानदार इनिंग्स खत्म होती हुई आदित्य की, बड़ा विकेट ये तेलुगु वॉरियर्स के लिए, लेकिन 2 ही रन पीछे है भोजपुरी दबंग, इस बात से खुश होंगे, अपना काम किया, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट आदित्य ओझा के इस इनिंग्स, और अब यहां पर स्कोर्स हो चुके हैं बिल्कुल बराबर। ओ क्लीन बॉल, प्रिंस ने अपना काम करके दिखाया आखिरी ओवर में, ये शानदार गेंदबाजी। यह बड़ी बात यह है कि विकेट तो बहुत बड़े पर डॉट बॉल विकेट के साथ साथ भोजपुरी दबंग यहां से एक लीड लेने की कोशिश में है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करते हुए प्रिंस, और उठाकर खेल दिया है इस बार, और दो मैन्स लैंड में गिरती हुई ये गेंद, दूसरे रन के लिए तेजी से भागते हुए दोनों ही बल्लेबाज। ऐसा लगता है कि मुझे पहुंच चुके हैं वहां पे, पर बनता था यहां पे डबल लेना। और ये विकेट मिला भोजपुरी दबंग का, एक और विकेट का पतन होता हुआ, डाइविंग एफर्ट काम नहीं आई, और ये ओवर बहुत ही शानदार प्रिंस का आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत ही कम रन गए हैं, 2 ही रन इस ओवर में। ओ बड़ा शॉट लगाने की यहां पर कोशिश और बेहतरीन कनेक्शन, 6 रन मिल जाएंगे, पहली ही बॉल पर प्रहार करते हुए यहां पर सुधीर, और मनचाहा रिजल्ट भी मिला उन्हें। फुल टॉस, और दूसरे रन के लिए जरूर आना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज, आखिरी बॉल है ये, थ्रो थोड़ा सा वाइड, 2 रन मिल जाएंगे सफलतापूर्वक, और इसके साथ साथ एक शानदार इनिंग यहां पर खत्म होती हुई, 9 रन आगे है भोजपुरी दबंग, बहुत ही खुश इस एफर्ट से मनोज भी। बैटिंग कार्ड देख लीजिए, मनोज तिवारी ने बहुत अच्छी शुरुआत दी थी, 26 रन बनाए, रिटायर्ड हर्ट हो गए, पर उसके बाद आदित्य ने जिस तरह की पारी खेली है उसकी बदौलत ये 100 से ऊपर का स्कोर बनता है।